अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट मोशंस एंड टाइम्स टाइप्स ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है और मोशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज़ मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन गिवन टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे अपने माहौल के मुताबिक दिए गए टाइम में। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो अगर हम उसकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं तो वो आपका कहलाता है मोशन। ऑल लिविंग थिंग्स शो मोशंस। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने मोशन चेंज करते रहते हैं। वेयर इज नॉन लिविंग थिंग शो मोशन ओनली वैन सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना मोशन तभी शो करते हैं जब उन पर फोर्स लगाई जाती है। यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी मोशन खुद ब खुद चेंज करते रहते हैं जैसे इंसान। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जस्ट लाइक चेयर, चेयर तभी अपनी पोजीशन चेंज करेगा अपने मोशन में आएगा जब हम उस पे लगाएंगे फोर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? तो एक्चुअल में मोशन की थ्री टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में कोई भी बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन में हर अपनी बॉडी का हिस्सा मूव करवा रही हो उस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई कार स्ट्रेट रोड पर जा रही है तो उस कार का जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई सेब दरख्त से नीचे गिर रहा है तो वो जो सेब होगा उसकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन में हम कहते हैं कि ऐसा मोशन जिसमें बॉडी या तो स्ट्रेट मूव करे या किसी भी डायरेक्शन में जा सके, तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के भी दो टाइप्स अलग से होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन और एक होता है कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इफ़ आ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट सीधी मूव कर रही है तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और अगर बॉडी आपकी किसी दूसरे डायरेक्शन में यानी कि सर्किल में मूव कर रही है तो ऐसे मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। इफ़ आ बॉडी मूव अलोंग आ कर्व पाथ, अगर आपकी बॉडी किसी सर्किल यानी कि सर्किल वाले रोड पे मूव कर रही है तो ऐसे मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ मोशन में आता है सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन व्हेन इट मूव अराउंड अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड एक्सिस। सर्कुलर मोशन हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी आपकी हमेशा सिर्फ सर्किल एक एक्सिस के चारों तरफ ही घूमती रहे हमेशा, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। कि कोई भी आपका ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक पॉइंट के चारों तरफ ही मूव करता रहे, जस्ट लाइक आपका फ़ैन। आपने देखा है कि फ़ैन जो होता है वो हमेशा सर्किल में ही रोटेट कर रहा होता है। या और आपको इस पिक्चर में दो तरह के झूले नज़र आ रहे हैं जो हमेशा सर्किल में ही मूव करते हैं, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। हमारा जो अर्थ है वो अर्थ भी हमेशा सर्किल में रोटेट करता रहता है तो उस मोशन को भी सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। रैंडम मोशन एक अलग टाइप का मोशन होता है, इसमें जो बॉडीज़ होती हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं।
चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, अप हो, डाउन हो, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकें, ऐसे मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। जस्ट लाइक आपने बर्ड्स को उड़ते हुए देखा है, जो बर्ड्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में उड़ पाते हैं, तो वो आपका रैंडम मोशन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के। When a body moves to and fro about a fixed point, it is said to be oscillatory motion. ऐसी बॉडी जो आपकी आगे और पीछे मूव करती हो, या ऐसी बॉडी जो आपकी ऊपर और नीचे मूव करती हो, उस मोशन को हम बोलते हैं आपका ऑसिलेटरी मोशन। जब आपने देखा है कि वॉल क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम लगा हुआ होता है, वो पेंडुलम हमेशा लेफ़्ट राइट मूव करता रहता है। और इस पिक्चर में एक दूसरी तस्वीर दिखाई गई है, जो आपका झूला है, वो झूला जिस पे हम बैठ के आगे पीछे अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं। तो ऐसा कोई भी मोशन जिसमें बॉडी आगे पीछे कंटिन्यू मूव करती रहे, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एक और टाइप का मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। व्हेन द सेम मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी कॉल पीरियडिक मोशन। ऐसा मोशन जो थोड़ी देर के बाद अपने मोशन को दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दे, वो आपका कहलाता है पीरियडिक मोशन। जिस तरह आपने देखा है कि वॉल क्लॉक में जो सुई होती है, वो जब 12 से स्टार्ट चलती है, चलती चलती जब दोबारा 12 पे आती है, दोबारा 12 से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो अपना मोशन बार बार रिपीट करती है और एक ही डायरेक्शन में रिपीट करती है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। अब ये आपका मोशन है जिसमें आपको कुछ डेफिनेशंस लिखनी है अपनी कॉपी पे। सबसे पहले व्हाट इज़ मोशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोशन और उनके नाम, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी होती है और उनकी एग्जांपल, सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसकी एग्जांपल, और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है और उसकी एग्जांपल।